अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं म्यूजिशियन एवी खान। आज फिर डाई इवेंट मैनेजमेंट पे आपके सामने परफॉर्म करूंगा। आज जबरदस्त मैजिक यानी न्यू मैजिक आपको दिखाऊंगा मैं और आपको मैं एंजॉय करूंगा। सो गाइस, आज जो मैजिक मैं आपको दिखाऊंगा और आज जो जादू मैं आपको इसी चैनल पे दिखाने जा रहा हूँ वो है डफ मैजिक। यानी डफ मैजिक यानी कबूतरों का जादू। कबूतरों पे हम परफॉर्म करेंगे, जादू करेंगे और आपको हैरान करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि आज जो मैं कबूतर पे परफॉर्म करूंगा तो कबूतर पे आज मैं एक्टिंग करूंगा। जैसे फिल्मों में, ड्रामों में एक अदाकार आके एक्टिंग दिखाता है, अदाकारी करता है, इसी तरह हमारे ये डफ भी मैजिकल, आपको मैजिकल की तरीके से ये दिखाएंगे, आपको अपना अदाकारी दिखाएंगे। तो कैसे ये तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले कबूतर को पैर डिसअपीयर करेंगे, उसके बाद आपको कबूतर का एक्टिंग भी मैं दिखाऊंगा कि कबूतर किस तरह एक्टिंग करती है और कैसे अपने आपने आपको मरवाने का एक्टिंग करेगी, कैसे दिखा कैसे करेगी ये। नेक्स्ट जब आप मेरा कबूतर को पैर देखेंगे उसके बाद फिर मैं इस डफ पे एक जबरदस्त एक्टिंग दिखाऊंगा आपको। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप उसे देख के एंजॉय करता रहे। सो गाइस, इस दफा न्यू मैजिक आपके लिए, लेट्स गो। हेलो गाइस, वंस अगेन गाइस, मेरे हाथ में है रुमाल, तीन हैंडकरचीफ है, तीन कलर के रुमाल है मेरे हाथ में। और सबसे पहले जो रुमाल है ये है पिंक कलर का, पिंक कलर का हैंडकरचीफ, येलो का और पर्पल का, तीन कलर के रुमाल मेरे हाथ में है। इन तीन रुमालों पे आज मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा, जादू दिखाऊंगा। सबसे पहले बारी बारी मैं आपको एक एक रुमाल करके दिखाऊंगा। और ये देखिए गाइज, सबसे पहले पिंक रुमाल, इसके बाद गाइज ये रहा येलो कलर का रुमाल। ये देखिए गाइज, येलो कलर का रुमाल भी आपके सामने, एक एक करके दिखाऊंगा मैं आपको। और इसके बाद तीसरा जो हमारा रुमाल है, ये देखिए गाइस, तीसरा जो रुमाल है वो है पर्पल कलर का। तो गाइस ये है पर्पल कलर का रुमाल और ये भी आप देख सकते हैं गाइस, ये पर्पल कलर का रुमाल भी मेरे हाथ में, तीन कलर्स के रुमाल मेरे हाथ में है गाइस। ये देखिए, अब ये तीनों रुमाल मेरे हाथ में है और अब इसी पे करेंगे मैजिक, 1 2 एंड, और इसमें से डब अपेयर करेंगे। ओके गाइस, सो कैसा लगा आपको रुमालों में से कबूतर निकालना? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा और नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी इसके बाद दूसरा मैजिक दिखाऊंगा मैं आपको और वो भी इसी डफ पे दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले रुमालों को एक साइड पे रखेंगे यहाँ पर। ये डफ जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि डब पे मैं आपको एक्टिंग दिखाऊंगा, मतलब अदाकारी कैसे। ये देखिए, आपने बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी बहुत सारे फिल्म्स देखे होंगे, उसमें हमेशा हीरो या विलन लास्ट में जो है ना वो मर जाता है, तो इसी तरह ये आज भी मरने का एक्टिंग करे कैसे। ये देखिए गाइस, मेरे हाथ में है, अब इसको इस हाथ में, इसको कहेंगे कि हाँ यहाँ पर, अब इसको इस हाथ में ऐसे उठाएंगे, यहाँ इस मुट्ठी में रखेंगे और इस पे करेंगे मैजिक। इसको ये देखिए, अब मैं इसको समझा रहा हूँ, 1 2 हरक्लेस, मोक्लेस एंड पोक्लेस। ये देखिए गाइस, सॉरी वंस अगेन, अभी थोड़ा सा इसको समझाएंगे, अभी मेरे बात इसको समझ नहीं आई इस वजह से। ये देखिए, अभी थोड़ा सा इसको फिर से समझाएंगे, कैसे समझाएंगे ये देखिए गाइस, यहाँ से अब इसको ऐसे पकड़ेंगे, 1 2 सो जा, आपने मरने की एक्टिंग करनी है और साबित करना है कि डर भी मरने का एक्टिंग सबसे खूबसूरत अंदाज में। ये देखिए गाइस, 1 सो गाइस, नहीं तो वंस अगेन एक दफा फिर, ये देखिए गाइस, ये मेरे हाथ में है, अब दोबारा इस पे
वेटिंग में इसको दोबारा दिखाऊंगा आपको। ये देखिए गाइस, सबसे पहले आपने मर जाना है, लेकिन फिल्म के लास्ट में जैसे विलन मर जाते हैं ना, इसी तरह देखिए गाइस है ना। कैसा लगा आपको ये एक्टिंग? जबरदस्त एक्टिंग, डब एक्टिंग। अब ये मर चुकी है, लेकिन अब इसको कैसे जिंदा करेंगे? मैजिक से। इसमें करेंगे मैजिक, और मैजिक वर्ड्स जो हमारे हैं वो है होकलेस, मोकलेस एंड फोकलेस। यस गाइस, सो गाइस कैसा लगा आपको ये डब का एक्टिंग और रुमालों से कबूतर निकालना? अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।